हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। एंड आज का व्लॉग शुरू करने के पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से मेरे 100K कर दीजिए। वी आर वेटिंग वेरी ईगरली। बच्चे बोले मामा कभी होगा 100K, कभी मिलेगा। सिल्वर प्ले बटन वाले के भैया शांति रखो, जब भी जो होना है वो होना है। और मैं बस रेडी हो रही थी तो सोचा मैं ब्लॉग शुरू करती हूँ। एंड मुझे थोड़ा सा मेकअप करना है। अजीत गए हैं बाहर सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेके आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे यहाँ पर शूट करना है मुझे, और बाहर भी जाना है, तो सब सारे काम एक साथ ही करने हैं। और बच्चे गए नीचे खेलने, तो अभी अजीत आएंगे सब्जी लेके आएंगे। इसके पहले मुझे कुछ दिखाना है आपको। घर में हमने एक नया एडिशन किया है, क्या किया है दिखाती हूँ। हाँ, हमारा न्यूएस्ट एडिशन, तो ये वही सोफा है, बट इसके ऊपर हमने सोफा कवर बनवा लिया है। और ये पूरा सोफा कवर है गाइस। यहाँ पर ना सोफा कम्बेट भी खुल जाएगा, जिप करके से, जिप ओपन करके ना ऐसे यहाँ से खुल जाएगा। और ये हमने जो जहाँ सोफा बनता है ना, वहाँ से ही हमने बनवाया है। वो घर पे आए थे, उन्होंने मेजरमेंट लिया और ये कवर बना के इसको आप वॉश कर सकते हैं। सोफा जैसे बनता है वही कवर का मटेरियल है, तो ऐसा लगता है कि सोफा ही है, कवर नहीं है, विच आई लाइक। और अगर गंदा मंदा होता है, जैसे कि देखो हल्का हल्का गंदा हो रहा है, तो ये धुल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ना बहुत टाइम से मैंने अब सोचा था कि कवर चेंज करना, क्योंकि जो नॉर्मल कवर आते हैं ना वो निकल जाते हैं। अब कितनी भी कोशिश करो निकल जाते हैं, बच्चे बैठते हैं मस्ती करते हैं, तो बार बार ना ठीक करना पड़ता है कवर। इसीलिए ये बना दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट ठीक है। और बस अब मैं जाती हूँ, मेकअप करती हूँ थोड़ा सा। अभी अजीत आएंगे ना घर पे, तो मुझे बोलेंगे हाँ तो क्या कर रही है, क्या कहाँ जा रही है। उनको पता भी नहीं है कि मैं रेडी हो रही हूँ, तो उनके लिए सरप्राइज होगा। आपको दिखाऊंगी उनका रिएक्शन जब घर पे आएंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, कर लिया है मेकअप, बाल ठीक करूंगी। और हाँ, आज मैंने डाला है इंडियन, तो बिंदी तो बनती है लगानी, बिंदी लगाती हूँ। रिएक्शन सूदिंग कलर है यार। हाँ, सच्ची में बहुत अच्छा है। मेरे को ऐसा कलर का शर्ट चाहिए था। हाँ, बने मेरे को ये लैवेंडर। मैं जब गई थी ना दिल्ली, तो मैं अपना एयरपोर्ट के लिए बैग लेके गई थी और एक अलग बैग लेके गई थी। तो मैं ना आके मैंने खाली नहीं किया, मतलब कुछ सामान पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो देखते हैं जब मैं अगर जाती हूँ बाहर, अगर थोड़ा सा दूर ट्रैवल करना है। नॉर्मली तो मैं स्लिंग बैग कैरी करती हूँ, बट अगर मुझे थोड़ा सा दूर जाना है एंड लॉन्ग फुल डे का ट्रैवल अगर होता है, तो उस केस में मैंने ये वाला बैग, मुझे बहुत पसंद है। मेरा करंट फेवरेट बैग ज़ुक का बैग है ये। और इसकी जो क्वालिटी है ना, इसमें ना जो बहुत सारे डिजाइन है अलग अलग। तो शुरू करते हैं क्या है मेरे बैग के अंदर। बट इसके पहले ना मैं बताती हूँ आपको कि इसमें आपको ना 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड है YTGM10, जो आप यूज़ कर सकते हैं। सब डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मिल जाएगी आपको, वेबसाइट की डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ से आपको और अलग अलग पैटर्न्स भी दिखाई देंगे। तो आपको जो बाय करना है कर सकते हैं। तो मैंने बैग में से बॉटल निकाला है, सनग्लासेस निकाला है, कोम निकाला है, तो ये सब मेरे बैग में असेंशियल रहते ही हमेशा। और यहाँ पर मेरा प्राइमर है, एक चार्जर हमेशा रहता है अगर मैं दूर ट्रैवल कर रही हूँ, 10 घंटा बाहर जाना है अगर, या 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो चार्जर रहता ही है। और अजीत देख रहे हैं अंदर से कि वाओ कितना बढ़िया, कितना स्पेशियस है। मुझको ना बहुत पसंद आया है बैग। और ज़ूक के जो है ना, ये बुक टोट न्यू लॉन्च है, इट्स वेरी नाइस बैग। इसके अंदर मैंने मेकअप का एक अलग से किट रखा हुआ है। इसके अंदर एक स्मॉल जिप भी है, इसमें मैंने अपने सारे एसेंशियल्स रखे हैं। मेरा वॉलेट छोटा सा है, जिसमें मेरे पर्स, कार्ड्स हैं, कॉइन्स हैं, कैश हैं। और ये जो है मेरा सैनिटरी नैपकिन हमेशा रहता है, मैं रखती हूँ एक। और मेरा दूसरा वाला फ़ोन भी इसके अंदर ही है, 2-2 फ़ोन हैं। और ये मेरा एयरपॉड्स है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं सब रहती हैं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आखिर में निकली है मेरी चाबी घर की। तो ये है हमारे बैग के अंदर सामान, और मुझे फिर से सामान अंदर रख रही हूँ, मैं पैक कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरे बैग में। और बहुत बेसिक सामान था, कुछ ऐसा खास नहीं है, बट बहुत ज़रूरी सामान है। एंड इट लुक्स सो स्टाइलिश, दिस ज़ूक का बैग। आई एम टोटली लविंग दिस बैग एंड डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद द परचेज। एंड दिस इज़ अ बुक टोट स्टाइल विच इज़ आई लाइक इट, लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी स्टाइलिश। आज मैं भूल गई थी कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है लगा के फिर अभी मैं लगा के रखा हुआ है। बहुत जोर से आवाज़ आ रही होगी ना जू। हाय राम, देखो इतनी जोर से भी आवाज़ नहीं है। तो अभी बस अभी हम लोग, मैं तैयार हुई हूँ, तो जाने के पहले थोड़े से 2-3 रील बना लूंगी। तो ये तो हमारे, मतलब हमारा परम कर्तव्य है, जहाँ भी जाओ अगर रेडी हो रहे हो तो 2-3 रील बना के चलो, जो मिनी मैसेज दो मुझे प्लीज। आप भी रेडी हो जाओ, चलो। बस प्याज गिर रहे, प्याज ले लो, ले लो प्याज ले लो।
तो अजित का रिएक्शन देखा आपने, कहा था ना मैंने कहा था उनका रिएक्शन देखते क्या करते, उनको पता नहीं मैं रेडी हो रही हूँ नहीं हो रही हूँ, मतलब अच्छा लगा कलर, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वेयर कर लिया। अभी हमको ना चलना है बाहर, तो चलो आज थोड़ा सा हम लोग मजे करते हैं और घूमते फिरते हैं, और मुझे पसंद है कंफर्टेबल कपड़े डालने, तो आई लाइक दिस। सब्जी कलर हमेशा जब भी कुछ चाहिए तो बैग निकालो, पॉकेट भी है,